सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हार्डवेयर नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टर की। दोस्तों आपने ये थिएटर स्कूलों में आदि में देखा होगा, लेकिन ये आपने सोचा है कि ये कब से चल रहे हैं, ये कब से इनका निर्माण हुआ है? दोस्तों आज मैं यही बताऊंगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल हार्डवेयर नॉलेज। दोस्तों इसका वर्णन 1000 सेंचुरी से चल रहा है, लेकिन पहले किसी प्रकाश के आगे कुछ भी लगा के छायाओं को बड़ा आकार दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया दोस्तों वैसे वैसे इसमें सुधार हुआ और इसे प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाने लगा। 1500 से 1700 सेंचुरी, 16वीं से शुरुआती और 17वीं शताब्दी तक। दोस्तों माना जाता है कि लियोनार्डो द विंची 1515 के आसपास एक छोटे स्केच पर आधारित लेंस, मोमबत्ती और चिमनी के साथ दोस्तों 1645 में किर्चर आईने की सतह से लाइव मक्खियों और कठपुतलियों की छाया को पेश करना बताया, मैजिक लालटेन यानी जादू लालटेन। दोस्तों 1659 तक डच वैज्ञानिक क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने जादू की लालटेन विकसित की थी, जिसमें कांच की एक छोटी सीट के माध्यम से दीपक का अधिक से अधिक प्रकाश को प्रतिबिंबित करने और निर्देशित करने के लिए एक अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया था, जिस पर छवि का अनुमान लगाया था और आगे एक दीवार या स्क्रीन पर छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए तंत्र के सामने लेंस को ध्यान से रखते हुए इसमें दो अतिरिक्त लेंसों का उपयोग किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे कभी प्रकाशित नहीं किया और ना ही सार्वजनिक रूप से अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया, इसे पेटेंट भी नहीं करवाया। दोस्तों 18वीं और 19वीं शताब्दी में मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मैजिक लालटेन या जादुई लालटेन एक लोकप्रिय माध्यम बन गया। दोस्तों 1890 के दशक में सिनेमा की शुरुआत के बाद यह लोकप्रियता कम हो गई। 1950 के दशक के दौरान स्लाइड प्रोजेक्टर व्यापक उपयोग में आने तक मैजिक लालटेन एक सामान्य माध्यम रहा था। 20वीं शताब्दी, दोस्तों 20वीं शताब्दी के शुरुआती और मध्य में कम लागत वाले अपारदर्शी प्रोजेक्टर बच्चों के लिए खिलौने के रूप में पेश किए गए। इन प्रोजेक्टरों में गर्मागर्म प्रकाश बल्ब और हेलोजन लैम्प का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों 1950 और 1960 के दशक के शुरुआती दिनों में स्कूलों और व्यवसायों में ओवरहेड प्रोजेक्टर व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा था। दोस्तों पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग पुलिस पहचान कार्य के लिए भी किया जाता था। दोस्तों इसमें यह एक 9 इंच के स्तर पर एक सिलोफन रोल का उपयोग करता है। दोस्तों पहले प्रोजेक्टरों में सिलोफन रोल को हाथ से धीरे धीरे घुमाया जाता था, बाद में उसमें मोटर लगाई गई जिससे वह ऑटोमेटिक घूमने लगी। 1950 से 1990 के दशक तक स्लाइड प्रोजेक्टर 35 मिमी फोटोग्राफी सकारात्मक फिल्म स्लाइड के लिए प्रस्तुतियों के लिए आम थे। परिवार के सदस्य और मित्र कभी कभी अवकाश यात्रा की स्लाइड शो देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। 2000 के दशक में स्लाइडों को मोटे तौर पर डिजिटल इमेज में बदला गया, इनमें समय के साथ काफ़ी बदलाव आया और यह 2D प्रोजेक्टर, 3D प्रोजेक्टर, लेजर प्रोजेक्टर और नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सामने आने लगी। दोस्तों टेक्नोलॉजी के बारे में और डिटेल से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।